प्रोडक्शन एंड आज के वीडियो पर मैं दिखाने वाला हूँ हम इंस्टाटेप एप्लीकेशन में कैसे अपने वीडियो का बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते या फिर यू बोलो ब्लर इफेक्ट ऐड कर सकते। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन। पहले क्या करना है, आपको अपने इंस्टाटेप एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद सिंपली से यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अगर ब्लर्ड बैकग्राउंड है देन बहुत अच्छा, अगर ब्लर्ड बैकग्राउंड नहीं है तो भी चलेगा। सो यहाँ पे इसे जस्ट हम सेलेक्ट करते हैं एंड डन पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर्ड है, तो मुझे ब्लर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका नहीं होगा देन मैं अभी बता रहा हूँ आप कैसे इसे ब्लर कर सकते हो। सबसे पहले जस्ट आपको यहाँ पे कैनवास पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप कोई एक रेशियो को सिलेक्ट कर लेना। सपोज यहाँ पे 2:3 है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद इसका जो मीन्स जूम इन वाला जो यहाँ पे दिख रहा है जस्ट इसे आपको पूरा कर देना ताकि मीन्स आपका बैकग्राउंड फुल स्क्रीन में ऐड हो जाए। ओके, देन डन पे क्लिक करते हैं। नाउ अब अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर्ड नहीं है देन आप क्या कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओगे स्टाइल में तो यहाँ पे आपको एक ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो आप इसे अप्लाई कर देना, आपका मीन्स बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो मेरा ब्लर है इसके कारण मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ एंड डन कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, इसका ड्यूरेशन को जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, मीन्स जितना टाइम तक आपका वीडियो होगा उतना टाइम तक इंक्रीज कर देना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे PIP पे क्लिक करना है एंड PIP पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको वीडियो वाले सेक्शन पे चले आना होगा, ठीक है। तो वीडियो वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपने वीडियो को जस्ट इंपोर्ट करना है। ओके, सो अपने वीडियो को इंपोर्ट करना एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारे वीडियो जो है उसका बैकग्राउंड में ये ब्लू कलर है, ठीक है। अब ये ब्लू कलर या ग्रीन कलर या फिर कोई भी कलर हम कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना के रखा हुआ, सो आप उसे चेकआउट कर सकते हो, आपको चैनल पर मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक क्रोमा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इससे होता क्या है कि मीन्स आपका कोई कलर को आप रिमूव कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जस्ट हम बैकग्राउंड वाले कलर पे सेलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स ब्लू वाले कलर पे एंड देन उसके बाद इसका जो स्ट्रेंथ है जस्ट उसे थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं एंड डन पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे मीन्स इस तरीके से करके हमारा जो बैकग्राउंड वो ब्लर्ड हो चुका है, ठीक है। ब्लर्ड हो जाने के बाद सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक करना एंड जितना टाइम तक मीन्स आपका वीडियो होगा उतना ही टाइम तक इसे रखना और ये बैकग्राउंड को मीन्स यहाँ से जस्ट आप हटा सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद डन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली हमारे ये मीन्स क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। ऐसे आप चाहो तो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो रेजोल्यूशन वाले बटन पे क्लिक करके जस्ट यहाँ से आप 4K और अगर आप चाहो तो यहाँ 30 FPS को यहाँ से 60 में चेंज कर सकते हो। ओके, तो मीन्स यहाँ से आप अपना क्वालिटी को चेक कर सकते हो। अगर आपको हाई क्वालिटी में चाहिए देन यहाँ पे 4K रख लेना, अदरवाइज अगर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल तो सेट पहले से रहता है, ठीक है। तो ये कर लेने के बाद सेव पे क्लिक करना है एंड थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना और ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।